आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी दिन बाद उड़ीसा। तो आज का जो वीडियो बनेगा मेरा पोर्ट ब्लेयर टू भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ से कलकत्ता का फ्लाइट है, फिर कलकत्ता से फिर शाम को और एक फ्लाइट है भुवनेश्वर के लिए। तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे और आपको मैं ये जर्नी शेयर करूँगा। मेरे वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और जो जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अभी मैं एयरपोर्ट से इन हो रखा हूँ, अभी हमारा जो है लगेज चेकिंग होने वाला है, उसके बाद फिर हम जाएंगे। हमारा 11:30 का फ्लाइट है, अभी हम एक्सरे मशीन के अंदर डालेंगे इसको। मेरा बैग जा रहा है। ओके, अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हो रखा है, थोड़ी देर में हम जाएंगे बोर्डिंग पास के लिए। वहाँ पे पीछे मेरे लाइन में लगे हुए बंदे, अभी थोड़ी देर में चलेंगे। अभी हम भी ये लगे जो है वहाँ पे ले लेंगे वो लोग, ताकि पीछे वाला बैग लेके हम चलेंगे यार अंदर प्लेन के पास। तब तक वीडियो बने रहिए। अभी हमारा सिक्योरिटी चेक खत्म हो गया, अभी बोर्डिंग पास भी मिल गया, सारा सामान भी चला गया है। हम दोनों ही जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, फिर 11:30 बजे फ्लाइट है, फिर चलेंगे। ठीक है, हम देख सकते हैं पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है कितना अच्छा बन गया है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर बन गया। ये पूरा पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर बना है। आप देख सकते हैं ये जो मॉडिफाइड कर रखा है ना, पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट था नहीं, तो छोटा सा एयरपोर्ट था, अभी काफ़ी बड़ा बना दिया है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना रखा है, बहुत अच्छा खूबसूरत बनाया। ये ऊपर के लिए एक्सीलेटर है, लेकिन हमारा जो फ्लाइट है नीचे आएगा तो इसमें से ऊपर को जाने की जरूरत, फिर भी मैं जाके दिखा देता हूँ। काफी बड़ा बना, 2 मंजिला गेट, 1 से लेके 8 तक। काम चल रहा है, मतलब पूरा हुआ नहीं है खत्म। देख सकते हैं कितना अच्छा बनाया, प्यारा बनाया। अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा और भी बढ़िया बेहतर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वो कर रखोगे तो। मैं एक्सेलेटर में गया था, हर सीढ़ी से उतर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एंट्रेंस है ना, तो एग्जिट के लिए दूसरी जगह पे होगा। तो ये था वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और बाकी चलते हैं। हमारा थोड़ी देर बचा है टाइम, अभी थोड़ी देर बाद हमारा फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, अब तो बैठते हैं और क्या करना। अभी हम फ्लाइट का ऊपर चढ़ रहे हैं।
कलकत्ता पहुंच चुका हूँ। नेक्स्ट फ्लाइट मेरा शाम को है, लेकिन अभी बस बाहर ही निकल रहा हूँ। आप देख सकते हैं काफी देर हो गया है, थोड़ा सा लेट था। तो अभी अभी हम पहुंच गए हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। एक ही वीडियो कवर करूंगा पूरा भुवनेश्वर तक का। बेल्ट नंबर 6 मतलब हमारा जहाँ पे लॉगेज आएगा वहाँ पे पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेकेंड फ्लाइट का टाइम हो गया है, तो अब जा रहे हैं उधर। दोबारा चेकिंग हुआ हमारा बैग वगैरह जिससे पहले हुआ था। तो अभी हमारा गेट नंबर 14 है, 14 है तो काफ़ी दूर है, चलते हैं उधर। साइड में बहुत आगे तक है, 24 नंबर है। तो अभी हम थोड़ी देर में कालकाटा से भुवनेश्वर के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है कलकत्ता वाला, अच्छा भी है, वेल मेंटेन है। वो देखिए वहाँ पे फ्लाइट भी जा रहा है। हम भुवनेश्वर में पहुंच गए हैं, 10-15 मिनट लेट था लेकिन फाइनली पहुंच गए। ठीक है, अभी एयरपोर्ट से निकलते हैं, बाकी देखते हैं। लॉकेज आने वाला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। अभी उतर रहा है प्लेन से, फिर
चलेंगे घर अभी 2-3 घंटे 2 घंटे 1.5 से 2 घंटे लगेगा घर पहुंचने के लिए। तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब बने रहिए मेरे चैनल पे और कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।